हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी आने वाली बॉलीवुड फिल्मों के बारे में जो कि स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्में होने वाली है, यानी कि जासूसी के ऊपर बनाई गई फिल्में होने वाली है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। नंबर पांच खूफिया ये बॉलीवुड की अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म का टीजर अभी कुछ दिनों पहले आउट किया गया था जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है, जो कि इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाता है। फिल्म को डायरेक्ट विशाल भारद्वाज ने किया है। फिल्म के लीड रोल में तब्बू, पुनीत, अली फजल, वामिका गब्बी और आशीष विद्यार्थी जैसे कलाकार नजर आने वाले। फिल्म में तब्बू हमें एक जासूसी कैरेक्टर में नजर आने वाली है, जहां वह कृष्णा मेरा जासूस का कैरेक्टर प्ले करती हुई दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को इसी साल 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन इस फिल्म की अभी तक कोई भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। नंबर फोर 13 जॉन अब्राहम की लास्ट दो फिल्में सत्यमेव जयते 2 एंड अटैक पार्ट 1 बॉक्स ऑफिस पर अनसक्सेसफुल मूवीज रही थी, लेकिन उनकी अगली फिल्म 13 से काफी ज्यादा उम्मीदें, जो कि एक स्पाई एक्शन मूवी होने वाली है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर नजर आने वाली है। फिल्म का प्लॉट रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड होने वाला है, जहां रूस और यूक्रेन में हुए युद्ध के आसपास इस फिल्म की स्टोरी होने वाली है। इस फिल्म में भी हमें हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जहां इस फिल्म को 26 जनवरी 2023 को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म में जॉन अब्राहम हमें एक स्पाई एजेंट के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं। तो इस फिल्म को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। नंबर 3 मिशन मजनू यह भी अपकमिंग बॉलीवुड की जासूसी मूवी होने वाली है, जो की एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी होने वाली है, जहाँ 1970 में पाकिस्तान में हुए एक सीक्रेट मिशन के बारे में ये फिल्म होने वाली है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एक सीक्रेट एजेंट का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो इस फिल्म में उनके साथ नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना भी होने वाली है, और इन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार पोस्टपोन हो चुकी है, जहां इस फिल्म को इसी साल 10 जून को रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो देखते हैं अब ये फिल्म कब रिलीज होती है। वैसे आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। नंबर 2 टाइगर 3 ये टाइगर फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट होने वाला है। सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइज जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो अब उसका तीसरा पार्ट जो कि हमें जल्दी दिखाई देने वाला है। फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो कि एक जासूसी थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में सलमान खान एंड कैटरीना कैफ की जोड़ी फिर से देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा फिल्म में इमरान हाशमी एक नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, जहाँ कैटरीना कैफ एंड सलमान खान इस फिल्म में रो एजेंट के कैरेक्टर में नजर आने वाले, वहीं इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। तो इस फिल्म का बजट अराउंड 350 करोड़ रुपए, जिसे एक बड़े स्केल पर बनाया गया है। तो इस फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जहाँ इसे दिवाली 2023 में रिलीज किया जाने वाला है। तो सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। नंबर 1 पठान 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में बनाई गई है बॉलीवुड की एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें एसआरके काफी लंबे समय के बाद में बॉलीवुड में अपना कमबैक करने वाली। फिल्म को डायरेक्ट सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जो वॉर जैसी बड़ी फिल्म बना चुके हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम दिखाई देने वाले हैं, जहां शाहरुख खान इस फिल्म में एक रो एजेंट के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। वहीं फिल्म में दीपिका पादुकोण एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में दिखाई देगी और जॉन अब्राहम इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई देने वाले। फिल्म को 25 जनवरी 2023 को रिलीज किया जाने वाला है। तो पठान मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तो ये नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दी मिलते हैं पठान से। तो इन पांच अपकमिंग स्पाई बॉलीवुड थ्रिलर फिल्मों में से आपको किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है। इसके अलावा आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।